Hello guys, this is Karthik Pandey from IIT BHU and you are watching Neera Online Coaching. Guys, जैसा कि अपन लोग वेक्टर सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, सो थर्ड पार्ट बहुत पहले आ गया था. अभी फोर्थ पार्ट जो ये आया है, ये थोड़ा सा टाइम के बाद आया, बिकॉज मैं बिजी हो गया था बहुत सारी चीज़ों की वजह से, और साथ में ट्वेल्थ का इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज चल रहा था, जिसकी वजह से मैं बीच में इंटरप्शन नहीं करना चाहता, एज वेल एज उन लोगों का मॉडर्न फिजिक्स चल रहा था. बट अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, सो मैं वेक्टर सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ, और वेक्टर के पैरेलल ही मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी चलाऊंगा, और मोशन इन 1D 2D 3D भी चलेगा, ठीक है ना? तो कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. बट वेक्टर्स के बारे में आज अपन बात कर रहे हैं. तो अपन लोगों ने लास्ट क्लास तक में क्या क्या सीख लिया था? अपन लोगों ने सीख लिया था टाइप्स ऑफ वेक्टर, मीनिंग ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, और वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं ज्योमेट्रिकली, एज वेल एज वहाँ पे ज्योमेट्रिकली एडिशन में अपन लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इन सब के बाद अपन लोगों ने एनालिटिकल ट्रीटमेंट सीखा, जो मतलब फॉर्मूला आया था कि यदि दो वेक्टर्स को जोड़े हैं उनके बीच में एंगल दिया हो तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट का. क्लियर है गाइस? सो आज अपन लोग उसी पर्टिकुलर कट मतलब जिसे कहते हैं सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हैं, और आज अपन सीखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. क्लियर गाइस? कि एक वेक्टर को कैसे तोड़ सकते हैं. क्लियर है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब, जैसे कि रिजोल्यूशन ऑफ बॉडी बोले तो जिन चीजों से मैं मिलकर बना हूं, यदि उन्हीं पार्ट्स में मुझे तोड़ दिया जाए तो दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ द बॉडी. रिजोल्यूशन मतलब कहने मतलब कि जिन चीजों से मिलकर बना है उन चीजों को अलग कर दो. क्लियर है? तो दैट विल बी काइंड ऑफ रिजोल्यूशन. अब वो रिजोल्यूशन किस तरह का है ये डिपेंड करेगा. हो सकता है कि हम एक दो पांव मिला के एक मान रहे हो, दो हाथ मिला के एक मान रहे हो, या हो सकता है कि दोनों हाथों को अलग अलग मान रहे हो. मतलब रिजोल्यूशन किस तरह से किया गया है इस बात पर डिपेंड करेगा. तो अपन लोग आज सीखने वाले हैं कि लेट अस सपोज कोई यदि एक हमारे पास वेक्टर दिया हुआ लाइक दिस. क्लियर है? दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, और इस वेक्टर ए को अपन तोड़ना चाहते हैं. क्लियर है? तो इसको तोड़ने के तो कई तरीके हैं, आप इसको कई फॉर्म में तोड़ सकते हैं, जिनसे मिलके बना उसी भागों में तोड़ दीजिए. लेकिन यदि इस वेक्टर को अपन ऐसे कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं जो कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो अपन लोग ऐसे रिजोल्यूशन को बोलते हैं रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. मतलब इस वेक्टर को हम ऐसे तोड़े दो कंपोनेंट्स में कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो. किन किन के बीच का? जिन दो पार्ट्स में मैंने वेक्टर ए को तोड़ा है. क्लियर गाइस? सो इसको थोड़ा सा और छोटा बनाइए. यस एग्जैक्टली, नाउ इट इज करेक्ट. सो मैंने इसे दो भागों में तोड़ दिया है, दो वेक्टर्स के फॉर्म में तोड़ दिया है, ए वाई वेक्टर एंड ए एक्स वेक्टर. क्लियर है? तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन क्या होता है. रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन होता है किसी एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में तोड़ देना, ठीक है, मान लिए हम. लेकिन सर आपको ये कैसे पता चला कि ये जो ए वाई वेक्टर है और ये ए एक्स वेक्टर है, दोनों की वजह से वेक्टर ए मिलके बना था, या दोनों ये जो दोनों कंपोनेंट्स है ये वेक्टर ए के ही कंपोनेंट्स हैं? तो मैं बोलूंगा एकदम सही बात है, इसको एक काम करो पैरेलली इधर की ओर शिफ्ट कर लो तो ये कुछ ऐसा दिखता. क्लियर है? पैरेलली ऐसे शिफ्ट करते, और हमें पता है कि शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर अलाउड होती है फ्री वेक्टर्स में, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना वेक्टर का डायरेक्शन चेंज ना करिए तो वेक्टर भी चेंज नहीं होगा. सो ए वाई वेक्टर को इधर शिफ्ट कर लिया तो ये इधर की ओर दिख रहा है, लेट अस सपोज ए वाई वेक्टर. नाउ ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई इज इक्वल टू वेक्टर ए, जो कि अपन लोगों ने पहले से सॉरी सेकंड या थर्ड क्लासेस में सीखा था. क्लियर है? तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर. क्लियर गाइस? मतलब मुझे पता चल गया कि हमने वेक्टर ए को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, एंड वन ऑफ देम इज वेक्टर ए एक्स एंड वन ऑफ देम इज एक्टर सॉरी वेक्टर वेक्टर ए वाई दैट्स एक्टर. सो कम टू द पॉइंट, तो वेक्टर ए को मैंने दो भागों में तोड़ दिया लाइक दिस, ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक्स विल बी इक्वल्स टू दिस, चलिए देखते हैं क्या होगा. यदि इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो है मॉड ए वेक्टर. क्लियर है? ये है इसका मैग्नीट्यूड और ये एंगल थीटा है. क्लियर है? तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, और इसका लेंथ जो है वो मॉड ए है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, मॉड ए कॉस थीटा. सो ये आ गया, दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड ए वेक्टर कॉस थीटा. क्लियर गाइस?
और अपन इसको इसको जनरली मोड और के फॉर्म में ना दिखा के नॉर्मली भी दिखाना चाहते हो ऐसे दिखा सकते थे, AX वॉज इक्वल टू दी A cos थीटा, क्लियर गाइस? सिमिलरली सिमिलरली ए वाई विल बी इक्वल टू दी, सिमिलरली मॉड ऑफ ए वाई विल बी इक्वल टू दी ए मॉड ऑफ ए साइन थीटा, और इन जनरल वी कैन राइट इट लाइक दिस, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। नाउ होल्ड ऑन, तो ये तो हमें मैग्नीट्यूड्स पर चल गए, क्लियर है? जिन दो भागों में हमने उस वेक्टर ए को तोड़ा है, क्लियर है? अब अपन देखना चाहते हैं कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड के थ्रू भी अपन चेक कर लेते हैं एक बार, जैसे हमने एक तो ज्योमेट्रिकली ऐड करके देख लिया था, अभी अपन उस तरह से भी देखते हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं वेक्टर ए का जो मॉड आया होगा दैट विल बी इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर? इजीली कह सकते हैं अपन, कैसे? देखिए ध्यान से, ए एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन आ गया ए स्क्वायर, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज वन, मतलब ए स्क्वायर वही आ गया, क्लियर है? मतलब मुझे एक बात पता चल गया, यदि हम किसी वेक्टर को दो पार्ट्स में तोड़ रहे हैं लाइक दिस ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर, तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा दोनों का यदि स्क्वायर करके अंडर रूट ले ले समेशन, तो वो हमें मॉड ए का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, क्लियर गाइस? तो ये हमें एक इक्वेशन है जो कि आपको परमानेंट याद रखनी है, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है, ये बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा मदद करने वाली है ये इक्वेशन आपको। नाउ दूसरी चीज की बात कर लेते हैं, नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस थीटा, यदि हम निकालना चाह रहे हैं कि ये एंगल थीटा कितना होगा, तो सिंपली फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल क्या मिल जाएगा अपन को, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टैन थीटा, दैट इज वॉट ए वाई अपॉन ए एक्स इक्वल टू टैन थीटा। मैंने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड मान लिया है कि ए वाई होगा और ए एक्स होगा, तो यहाँ से क्या आ गया, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ये दूसरी इक्वेशन है जो कि आपको हरदम याद रखना, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, क्लियर गाइस? क्लियर है, ये आपको हरदम याद रखना है। सो इन जनरल यदि कहीं पे ऐसे लिखा हो, अब आपको एक बात समझ में आ गई, यदि कहीं पे एक वेक्टर लिखा हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप कहीं पे ऐसे दिया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि भैया ये तो बहुत आसान है, ये तो ऐसा है कुछ कि एक वेक्टर है ऐसे जिसका वैल्यू कितना है, ए वेक्टर है और उसका एक्स कंपोनेंट जो है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसका कंपोनेंट है वो है 3i कैप, और जो वाई एक्सिस के अलोंग है वो क्या है 2j कैप, तो इन दोनों को जब जोड़े होंगे तो वेक्टर ए मिला होगा, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 13, क्लियर गाइस? अभी यदि पूछे थीटा क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू बोल देंगे दैट विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3, बहुत इजी था, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो हमने ये सीखा वेक्टर रिजोल्यूशन इन 2D मींस 2 डायमेंशंस में, अपन लोगों ने वेक्टर रिजोल्यूशन सीख लिया। अभी मान लीजिए ऐसा हो जाए कि हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है ना गाइस, और हम उसको 3D 3 डायमेंशंस में ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब 3 डायमेंशनल एक तरह से वेक्टर रिजोल्यूशन देखा जाए, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ही लेकिन 3 डायमेंशंस में, तो कैसे करेंगे चलिए वो भी देख लेते हैं, क्लियर है? तो आई थिंक सो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे एक वेक्टर को दो भागों में तोड़ा है। अभी मैं इसका एप्लीकेशन भी सिखाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए, ये वेक्टर रिजोल्यूशन शायद तक JEE एडवांस क्या फिजिक्स के लिए ब्रह्मास्त्र है, मतलब फिजिक्स में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस दुनिया में कुछ बनी नहीं है वेक्टर रिजोल्यूशन, क्योंकि हर जगह क्वेश्चन जो आता है वो वेक्टर रिजोल्यूशन के चलते बच्चों को फंसा देता है, और खासकर जो नीट वाले बच्चे होते हैं उनको तो बहुत प्रॉब्लम देता है। इसीलिए गाइस दिस इज काइंड ऑफ रिक्वेस्ट कि प्लीज ये मतलब इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, यदि यहाँ नहीं समझ में आया यहाँ तक दोबारा वीडियो को पॉज करिए और दोबारा जाके देख के आइए पूरा शुरुआत से लास्ट तक, क्लियर है? बाय द वे चलिए अपन लोग देखते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर रिजोल्यूशन। नाउ गाइस लेट अस सपोज वी हैव अ वेक्टर लाइक दिस, ये 3 एक्सिस सिस्टम है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। गाइस लेट अस सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए जिसका कि कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है वेक्टर ए एक्स,
क्लियर है, ए जेड एंड वेक्टर ए वाई, क्लियर है। तो याद रखिएगा, यदि अपन वेक्टर ए को थ्री डायमेंशंस के अलॉन्ग तोड़ देते हैं तो जो ये वेक्टर्स होंगे ये इसके कंपोनेंट कहलाएंगे, क्लियर है। सो वेक्टर ए के तीन कंपोनेंट्स हो गए, क्लियर है। वो कौन कौन से हो जाएंगे, ए एक्स वैक्टर, ए वाई वैक्टर एंड ए जेड वैक्टर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यदि ये तीनों कंपोनेंट हैं तो दैट मीन्स कि वेक्टर ए शुड बी इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड, यही होना चाहिए। यदि तीनों कंपोनेंट हैं इसका मतलब तीनों को मिलाने के बाद तो वेक्टर ए बन जाना चाहिए। तो मैं बोलूंगा हाँ, आपने एकदम सही कहा। चलिए देख लेते हैं कैसे। तो यदि हम वेक्टर ए वाई और वेक्टर ए जेड मिलाएं, क्लियर है, मतलब मैं ऐसे कुछ ले ले रहा हूँ, ये एक्सिस है, वेक्टर ए वाई और वेक्टर ए जेड मिलाया, सॉरी वेक्टर ए वाई और वेक्टर ए एक्स मिलाया, तो इन दोनों के चलते जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों के चलते जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी प्लेन में लाई करेगा लाइक दिस, क्लियर है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, उसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई हो जाएगा, क्लियर है। अब वेक्टर ए जेड को जोड़ेंगे तो ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों को जो जोड़ के रिजल्टेंट मिलेगा वो कुछ ऐसा ही मिलेगा, क्लियर है, एंड दैट इज वेक्टर ए। तो क्या आ गया हमारा, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, मतलब दीज आर दी थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर ए, क्लियर है। सो नाउ गाइज, क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट विल बी इक्वल्स टू दी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का होल अंडर रूट। वही तरीका है फिर से कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आया होगा वो कितना आया होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब ये जो सी वैक्टर है या मतलब ए जेड वैक्टर है और इनके बीच का फिर से एंगल 90 डिग्री है तो फिर से वही लगाएंगे, तो ये इस बार क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ऑफ अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा, तो क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का होल अंडर रूट, क्लियर गाइस। तो ये आ गया हमारा वेक्टर ए, क्लियर है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो ये दो चीजें आपको हरदम याद रखनी है, मतलब कहीं पे यदि ऐसे दिया हो कि एक वेक्टर दिया हुआ वेक्टर ए इज़क्वल टू टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो समझ जाना है आपको कि भैया इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड ए इज़क्वल टू कितना है, मॉड ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स वॉट, दैट इज 19 प्लस 16, क्लियर गाइज, जोड़ लीजिएगा जो भी आएगा देख लीजिएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। नाउ गाइस, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि अपन लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। लेट अस सपोज कि एक्स वेक्टर और ए वेक्टर, ए एक्स वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है, वेक्टर ए और ए वाई वेक्टर के बीच का एंगल बीटा है, और वेक्टर ए और वेक्टर ए जेड के बीच का एंगल गामा है, क्लियर है। तो कुछ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, आप लोग मैथमेटिक्स में इसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं बस एक नॉर्मल एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, क्लियर है। डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस सच एज कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जो होता है दैट इज ए एक्स अपॉन ए, क्लियर है। वो आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, जैसे ध्यान से देखिए ना, यदि ये ट्राइंगल है तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो गया और इसका ए एक्स मैग्नीट्यूड हो गया, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो वही आ गया। सिमिलरली इसको अपन जो डिनोट करते हैं इसको अपन एल से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए। सिमिलरली कॉस बीटा दैट इज ए वाई अपॉन ए इसको अपन लोग किससे डिनोट करते हैं, एल एम, क्लियर है। सिमिलरली अपन लोग कॉस गामा दैट इज ए जेड बाई ए इसको अपन लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, क्लियर है। तो क्या मैं यदि एक रूल लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज़क्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो कि आपको कई बार कई जगह मदद कर देगा, ये रूल याद रखिएगा। ये कैसे आया, ये यहाँ से आया, एल स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, ए वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सबको जोड़ दीजिए तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा लाइक दिस,
एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉमन एलसीएम, दैट इज ए स्क्वायर। और ध्यान से देखिए तो ये किसकी वैल्यू है, ये ए स्क्वायर की ही तो वैल्यू है। यहाँ से देख लीजिए कि ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ए स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो ये कितना आ गया, वन। सो इसीलिए हमने ये एक रूल लिख दिया है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन। मतलब सीधे सीधे बोला तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन। ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए हरदम। नाउ अपन यदि इसी रिलेशन को उल्टा करना चाहें, थोड़ा सा और चेंज करना चाहें, तो और ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू टू। क्लियर गाइज, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है जो कि आप याद रख सकते हैं। इसका फिजिक्स में तो यूज नहीं है, बट इसका मैथमेटिक्स में आपको बहुत ज्यादा यूज मिलने वाला है। लेकिन इसका फिजिक्स में भी यूज है, मतलब जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं तक रखता है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उतना नहीं मतलब कुरेदता है, लेकिन मैथ्स में इन सब चीजों का यूज होता है। अब ना क्वेश्चन राइजेस कि यहाँ के बाद ये कैसे आया, तो अपन कॉस स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर गामा, सॉरी वन माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो सब उधर भेज दीजिए, वन को इधर ला लीजिए, तो थ्री माइनस वन टू हो जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया। क्लियर गाइस, तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस, एज वेल एज ये हो गया उनके बीच का रिलेशन। और हमें ये समझ में आ गया कि किसी भी एक वेक्टर को, जो कि थ्री डी में मतलब एक वेक्टर को अपन थ्री डायमेंशनली कैसे ब्रेक कर सकते हैं, या तीन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में कैसे अपन उसे ब्रेक कर सकते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। क्लियर गाइस, बिकॉज अपन लोग रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन पढ़ रहे हैं। फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ये सारी चीजें आपको सिखा दी गई है। क्लियर है, सो दिस वाज ऑल अबाउट वेक्टर रिजोल्यूशन। नाउ गाइस, अब मैं एक दो क्वेश्चंस कराना चाहूंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा और अच्छे से कि वेक्टर रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, कैसे है, अच्छे से समझेंगे। क्लियर है, तो पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि आगे चल के फिजिक्स में कैसे वेक्टर रिजोल्यूशन आपको मदद करेगा। क्लियर है, चलिए। सो नाउ गाइस, अब अपन लोग एक वेक्टर को तोड़ के देखते हैं कि एक वेक्टर को तोड़ेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो कुछ कुछ जगहों में आपको मैं सिखाता हूँ। लेट अस सपोज कि एक कोई ऐसे एक बॉडी रखी हुई है, क्लियर गाइस, किसी एक इंक्लाइन प्लेन में। ऐसे इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या हुआ कि एक प्लेन था जो कि थीटा एंगल पे ऐसे इंक्लाइंड है, एंगल बना रहा थीटा एंगल, किससे, हॉरिजॉन्टल से। अब इसका मास एम है, क्लियर है। अब हम देखना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या लग रहा होगा, तो फोर्स जो एम जी लग रहा होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा, एम जी फोर्स। अब हम देखना चाह रहे हैं कि एम जी का कंपोनेंट अलोंग द प्लेन क्या होगा, या अलोंग या परपेंडिकुलर द प्लेन क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, यदि अपन ऐसे ड्रॉ करें तो यदि ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है, मतलब ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, थीटा आ जाएगा। सो यदि ये थीटा आ गया तो एम जी के जस्ट थीटा जिस जिस साइड लगा होता है उस साइड क्या लिखते थे, ए एक्स कॉस थीटा लिखते थे, याद करिए। तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट मैग्नीट्यूड कितना है, एम जी है, तो इधर की ओर कितना कंपोनेंट आ गया, एम जी कॉस थीटा, और इधर की ओर कौन सा कंपोनेंट आ गया एम जी साइन थीटा। क्लियर गाइस, सो ये बात मुझे समझ में आ गई कि भैया हम एक फोर्स को कैसे दो तरीके से दो डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं, या जैसे कोई बॉडी है, लेट अस सपोज ऐसे, क्लियर है, उस पर एक फोर्स लग रहा है एफ एट एंगल थीटा, फोर्स एफ लग रहा है। अब हमें इसके फ्रिक्शन, वेट और बहुत सारी चीजें के बारे में स्टडी करना पड़ सकता है, हो सकता है वो सब अपन एनएलएम में सीखेंगे, क्लियर है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। लेकिन अभी अपन लोग वेक्टर रिजोल्यूशन देख रहे हैं, तो इसको अपन दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। कैसे, यदि इधर की ओर लगा दिया जाए कितना, एफ कॉस थीटा, और इधर की ओर कितना लगा दिया जाए, एफ साइन थीटा। क्लियर है, मतलब ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जहां साइड थीटा होगा उधर साइड कॉस थीटा आएगा, और जिधर साइड थीटा नहीं होगा उधर साइड साइन थीटा आएगा। क्लियर है, मान लीजिए कहीं पे एक ऐसे वायर लटकी हुई है, एक ऐसे वायर बंधी हुई है, एक ऐसे वायर बंधी हुई है, यहां से कोई बॉडी लटक रही है, क्लियर है, और ये वायर दो जगहों में बंधी हुई, मतलब एक ये वायर थी यहां से यहां तक, एक वायर ये से यहां से यहां तक, और एक वायर ये यहां से यहां तक, क्लियर है, उसका मास एम है। अब क्या होगा, कैसे होगा, वो सब एनएलएम का पार्ट है, लेकिन हमें यदि बताया है कि ये थीटा है और इसमें टेंशन टी इधर की ओर लग रहा है, तो उस टेंशन टी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर की ओर हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर की ओर हो जाएगा टी साइन थीटा। क्लियर गाइस, मतलब हमने इन क्वेश्चंस के थ्रू, या ये जो एग्जांपल्स थे इनके थ्रू अपन ने ये सीख लिया कि वेक्टर्स को तोड़ा कैसे जाएगा।
क्लियर है, या वेक्टर्स को तोड़ना कैसे है, क्लियर? मतलब जहीं जब कभी भी अपन को यूज होगा, जहां पे भी यूज होगा, तो अपन ऐसे इसको तोड़ लेंगे, क्लियर गाइस? अभी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि वेक्टर रिजोल्यूशन का नहीं है, लेकिन मैंने आज मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया है आप लोगों को, क्लियर है? तो इसीलिए वो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं। वो क्वेश्चन ये है कि बोला है कि मेक अ वेक्टर, मेक अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 इन द डायरेक्शन ऑफ टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप वेक्टर। मतलब ये कोई वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में एक नया वेक्टर बनाइए जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 10 हो। तो देखिए बहुत इजी है क्वेश्चन, एकदम कठिन नहीं है, ये सोचेंगे तो बन जाएगा। कैसे? पहले तो अपन इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप इक्वल टू, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए क्लास, पहला क्लास, तो वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए, मतलब वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो तो अपन लोगों को पता है। तो सीधे सीधे ए कैप कितना आ गया, ए कैप हो जाएगा इस केस में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, क्लियर है? ये आई जे के कैप्स क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं अलॉन्ग आई एक्सिस, जे एक्सिस, के एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस, क्लियर है? आई एक्स, सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। नाउ इनका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो तो अपन ने अभी भी निकालना सीखा है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्लियर गाइस? ये क्या आ गया, ये वेक्टर का डायरेक्शन आ गया। अब बोला है कि इस डायरेक्शन में नया वेक्टर बनाइए, तो सिंपल सी बात है कि यदि हमें डायरेक्शन पता है तो नया वेक्टर जो आया होगा, ए न्यू मतलब न्यू वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू द डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय, डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, सॉरी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, सो दैट इज ए कैप, क्लियर है? और ए कैप की वैल्यू यहां से ले जाके यहां पुट करा देंगे तो वो हमारा नया वेक्टर हो जाएगा, जो कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा लेकिन नए मैग्नीट्यूड का होगा, क्लियर गाइस? ये कैसे किया फिर से बता दे रहा हूं आप लोगों को, मैंने वेक्टर ए अपॉन उसका मॉड कर दिया तो उसका उस वेक्टर का डायरेक्शन आ गया। अब उस वेक्टर के डायरेक्शन में, मतलब यूनिट वेक्टर आ गया उस डायरेक्शन में, अब उस यूनिट वेक्टर में यदि अपन नया मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करा देंगे तो नया वेक्टर बना देगा, तो वही अपन ने किया है, क्लियर गाइस? सो ये था पूरा आज के लेक्चर का, ठीक है ना, जिसमें कि अपन लोगों ने वेक्टर रिजोल्यूशन सीखा। अब अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट सीखेंगे, और उसके बाद चीज़ों को कब मतलब पूरा एक तरह से बाइंड अप करते हुए कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे अच्छे से। तो इसके बाद अभी 3 से 4 लेक्चर वेक्टर पे आएंगे, क्लियर गाइस? और यदि मेरी वीडियोस नहीं आती हैं तो रियली रियली सॉरी, ऐसा नहीं होता कि मैं वीडियोस नहीं लाना चाहता हूँ, बस बच्चा होता क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी अपने शेड्यूल के चलते मतलब नहीं आ पाता हूँ, बस दैट्स द मेन रीज़न। बाय द वे मैंने अभी अपनी टीम थोड़ा एक्सपेंड कर ली है, बहुत सारे और आइडियाज जोड़ लिए अपने साथ। सो गाइस, जैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया तो इन टॉपिक्स पे वो अभी क्वेश्चंस करा दिया करेंगे आप लोगों को, ठीक है ना? तो मतलब आपका एक तरह से ये अच्छे से हो जाएगा कि साथ में पढ़ाई के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको बगल से एक तरह से देखा जाए तो न्यूमेरिकल्स भी करने के लिए हेल्प मिलेगी, क्लियर है गाइस? सो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यही बोलूंगा लास्ट में कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा लो, या जिन पिछले बच्चों ने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई है वो प्लीज़ दबा लो, बिकॉज उसके पीछे रीज़न है, नोटिफिकेशन बेल की वजह से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि कार्तिक सर ने कोई नई वीडियो अपलोड करी है, क्लियर है? तो उसे दबाना मत भूलना, क्लियर? सो कीप वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।